So hello everyone, this is यस सर, the यस सर, second lecture of the ethics class. So you all are welcome on. Sanjay Kumar sir, this is my personal channel. I'm really very happy right now. We have the great educator, legend educator of this country, Jo K. Venkateswar sir, for the ethics paper, and he will teach you ethics as well as history for UPSC and for your state PCS mains. Okay, is it clear? So right now, so sir, how are you? Is everything fine? फाइन सर, फाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, सो सर हमने सर दो क्लासेस सर आपने कराया बच्चों को, रियली स्टूडेंट्स आर मोर हैप्पी, उनको बहुत अच्छा लगा सर। स्टूडेंट्स सर रियली दे आर वेरी हैप्पी, उनको सर बहुत बेनिफिट हुआ। और सर मैं कोशिश करता हूँ सर, आज बच्चे मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे आया हूँ, सर के साथ आया हूँ। एथिक्स की क्लास मैं और हमारे साथ सर लेंगे, हिस्ट्री की क्लास भी मैं लूंगा, हमारे साथ सर लेंगे। तो जितना सर के पास एक्सपीरियंस है, जो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो नॉलेज है, जो जितना सर ने इस सिविल सर्विसेज के दौरान जो सर के पास एक्सपीरियंस है, वो मैं और सर दोनों आपके साथ क्लासेस लेंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी कोई नुकसान ना हो। उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वेलकम वेलकम सर, खूब जोरदार वेलकम कीजिए। क्योंकि देखो एथिक्स तो हर कोई पढ़ा है, एथिक्स पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई सिविल सर्वेंट आपको एथिक्स पढ़ाए तो उसकी बात ही कुछ और है। क्योंकि आपका सपना है आईएएस बनना और सर का सपना है आपको आईएएस बनाना, जो सर और मैं हम दोनों इस टीम में शामिल हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट की ओर। सो सर यू ऑल आर वेलकम सर, मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूँ, प्लीज सर यू कैन ट्राई टू स्टार्ट सर, राइट सर। वंस अगेन सर, वंस अगेन, वंस अगेन, राइट। सो इज इट विजिबल टू सर, पीपीटी विजिबल हो रहा है आपको सर? यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर, सो यस सर यू कैन टेक दिस सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय बाय के वेंकटेश्वरलु सर, हु इज जो एडिशनल डायरेक्टर थे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में, राइट। एंड आज का जो सेशन है वो होगा ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, राइट। बाकी किसी के पास कोई भी क्वेरी हो एथिक्स के रिगार्डिंग, एथिक्स की क्लासेस अभी सर के यूट्यूब पे फ्री आती रहेंगी, ये कोई भी नहीं सोचना है, राइट। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे सर का पेड कोर्स पे स्पेशली चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट विद दिस सर, सर का ये पर्सनल टेलीग्राम लिंक है, सॉरी दिस इज द ईमेल आईडी, एंड मेरे व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन प्लीज राइट डाउन दिस व्हाट्सएप नंबर टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स, 8285727961। आप अपना नेम बताएंगे, क्वेरी फॉर एथिक्स है तो एथिक्स बताओगे, एंड यू हैव टू ओनली राइट इन द कमेंट सेक्शन मीडियम। तो चलिए स्टार्ट करते सर, प्लीज स्टार्ट सर, प्लीज कम ऑन सर। थैंक यू वेरी मच सर, संजय साहब का, ज्योति मैडम का, संजय साहब का पूरा टीम का और पूरे मित्रों का थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आज अब तक हम एथिक्स में दो क्लासेस ले चुके हैं, एथिक्स में थोड़ा सा बचा हुआ है, बट फिर भी ह्यूमन वैल्यूज को पहले देखना है। ये शुरू करने के पहले मैं एक छोटा कहानी बताऊंगा। पांडव और कौरव ने आचार्य द्रोण के साथ ट्रेनिंग हुआ था, उसका उसका पूरा पॉलिटिक्स में और वार पर में सब कुछ में ट्रेनिंग हुआ था। एक दिन द्रोण ने सबको बुलाया, एक टेस्ट करा दिया, एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी को बैठाया, एक टॉय का उसका थे, सो ऑल दिस पीपल, सो पांडव और कौरव को एक एक को बुलाया है, पहले धर्मराज को बुलाया है और उसके बाद धर्मराज को बुलाया और उसके बाद दुर्योधन को बुलाया, ऐसा सबको बुलाया। क्या तो उसका तो एम क्या है कि वो पक्षी के आंख को मारना है। तो द्रोण ने पहले पूछा युधिष्ठिर से, क्या आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आंख पक्षी का आंख दिखाई पड़ रहा है। हाँ, और कुछ दिखाई पड़ रहा है? पक्षी दिखाई पड़ रहा है, पेड़ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, तो पूरा दिखाई पड़ रहा है सही। तो आपका भाई दिखाई पड़ रहा है, यस आई एम सीइंग ऑल माई ब्रदर्स एंड ऑल आवर वेल विशेस, माई एम विजिबल टू यू। तो आचार्य द्रोण ने पूछा, क्या मैं दिखाई पड़ता हूँ? हाँ सर, अरे आप गुरु है, आप बगैर आपके पैसा कौन दिखाई पड़ता, आपका आपका पादों का प्रणाम बोल दिया है, ऐसा सब कुछ
एवरीबडी का आंसर वाज लाइक दिस, हर एक का आंसर ऐसा ही था। तो हर एक को तो द्रोण ने तीर लगाने को चला है, आस्क्ड हिम, आस्क्ड देम टू रिलीज द एरो, बट द एरो डिड नॉट शूट द आई ऑफ द बर्ड। आखिर में अर्जुन को बुलाया तो क्या दिखाई पड़ता है, पूछ लिया द्रोण ने, व्हाट आर यू सीइंग देयर। अर्जुन अर्जुन रिप्लाइड, गुरुजी मुझे तो काली आंख दिखाई पड़ रहा है, आई एम सीइंग ओनली द आई ऑफ द बर्ड और कुछ भी नहीं। अरे मैं दिखाई नहीं पड़ रहा? नो। अरे गुरुजी हूं मैं दिखाई नहीं पड़ रहा? नहीं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे खाली बर्ड का आई, तो पक्षी का आंख ही दिखाई पड़ रहा है। देन द्रोण ने पूछा, रिलीज द एरो, तो तीर लगाओ। एकदम उसका पक्षी का आंख भी अर्जुन का तीर लगाया। आपका कंसंट्रेशन भी वैसा ही होना है, आपका कंसंट्रेशन यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ऐसे ही कंसंट्रेशन है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर चल गया तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाद में आप यूपीएससी को ब्लेम करने का, तो आपका जिंदगी का भी ब्लेम हो जाएगा। तो इसीलिए आपका कंसंट्रेशन पूरा एग्जाम पर ही होना है। जैसा अर्जुन को वो पक्षी के आंख ही दिखाई पड़ा है, आप भी वैसे ये यूपीएससी का एग्जाम का भी ख्याल करना है, टाइम वेस्ट मत करना है। चले सर, शुरू करेंगे आज का डेफिनेटली क्लास, सर, अब सॉरी हम सर, ह्यूमन वैल्यू। हाँ सॉरी सर, मैं थोड़ा सा, तो सर, देखो जैसे सर ने सही बात की, जिस प्रकार अर्जुन को केवल पक्षी की आंखें दिखाई दे रही थी, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आपको सर की एथिक्स क्लास में जो यूपीएससी की जहां पे जो आंखें हैं, जिस कॉन्सेप्ट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी इन द फ्रॉम द एथिक्स पेपर, आपका थॉट, सर का थॉट, वही चीजें आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने अपने आप को ठान ही लिया है कि अगर आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर, तो जरूर बनोगे यूपीएससी टॉपर। बस आपका दृढ़ निश्चय के साथ साथ आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोच है, केवल यूपीएससी होना चाहिए। सर इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे सर सपोज दैट मैंने सर, जैसे कि सर मैं सीटैट पढ़ाता हूँ, सो आज के टाइम पर सर स्टूडेंट्स के अंदर ना डिस्ट्रैक्शन हो गया। डिस्ट्रैक्शन इज नॉट द काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, डिस्ट्रैक्शन इज द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सर अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मैं देख रहा हूँ अब वो बच्चे एसएससी का भी एग्जाम दे रहा है, कुछ बच्चे रेलवे का भी दे रहा है, एक्स वाई जेड एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज। मेरे प्यारे बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से आपका डिस्ट्रैक्ट की ओर लेके जाता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यूपीएससी की ओर ही फोकस करें। हाँ, स्टेट पीसीएस दे सकते हो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सर की क्लासेस, जैसे सर ने अभी स्टोरी बताया, उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग है। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? उससे पहले कमेंट सेक्शन में सर का वेलकम करें कि यस सर, आई एम रेडी फॉर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, कम ऑन सर, प्लीज स्टार्ट सर, प्लीज। थैंक यू सर। क्लास करते। तो हमारा ह्यूमन वैल्यूज का सिलेबस है कि ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकल्केटिंग वैल्यूज। पहले हम फैमिली का, सोसाइटी का और एजुकेशन इंस्टीट्यूट का देखेंगे, और उसके बाद हम लाइव्स ऑफ ग्रेट टीचर्स के बारे में सोचेंगे। हिंदी का सिलेबस है, नेक्स्ट सर। हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है? मानवीय मूल्य में महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों से हम कैसे वैल्यू सीखते हैं, और पहला हमारा घर में, स्कूल में और समाज में हमारा वैल्यूज कैसे इकट्ठे करते हैं, हम देखेंगे। तो आखिर वैल्यूज क्या है? तो हमारा एथिक्स एंड वैल्यूज, ये दोनों मिलके एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पर आता है। तो अगर आप एथिक्स एंड वैल्यूज पर आपका केस स्टडीज है, आपका कोटेशन है, आपका पूरा क्वेश्चन है, तो 40% क्वेश्चन एथिक्स एंड वैल्यूज पर ही होता है। तो लेट अस बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आपके क्वेश्चन को पूरा इतना आता है ना, 100 मार्क्स तो कुछ कम ही नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट सर, सो द मेन थिंग इज दैट द केस नेक्स्ट स्टडी, लेट 60% केस स्टडी का रोल है, राइट सर? तो केस स्टडी इज द मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट। यस नेक्स्ट। यस सर, तो 40% का क्वेश्चन ना एथिक्स और वैल्यूज के पेपर में भी आता है, और केस स्टडीज और कोटेशन का भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए एथिक्स एंड वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या है ये ह्यूमन वैल्यूज? क्या है? इज इट द सेम फॉर ऑल,
और व्हाट आर द वैल्यूज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट। तो ह्यूमन वैल्यूज हर एक को ये की है, या सिविल सर्वेंट को व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज विच द यूपीएससी एग्जाम एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, तो मान विमन क्या है, ये सबके लिए ये की है और सिविल सर्वेंट को कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ह्यूमन वैल्यूज दे आर द प्रिंसिपल, पहले देखिए, दीज आर द प्रिंसिपल बिलीव एंड आइडियल दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। सो सर्टन सेट ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, तो आपका तो जो कुछ वैल्यू है दे आर बेस्ड ऑन कुछ प्रिंसिपल के और बिलीफ के और आइडियल से। तो ये पूरा मिलके वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। तो सर्टन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, सर्टन डूज एंड डोंट्स को लगाएगा। नेक्स्ट सर, हिंदी में देखेंगे, तो मानवीय मूल सिद्धांतों, विश्वास और आदर्शों पे ही मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है, कुछ मानदंड है और मानक निर्धारित है। नेक्स्ट सर, तो अल्पोट वर्नन ने वैल्यूज को सिक्स टाइप्स का बताया है। ये सब कुछ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। पहले हम मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ सर, सिक्स टाइप ऑफ वैल्यूज के, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लो, साथ में नोट डाउन भी कर ले बेहतर होगा, और नहीं तो मैं इसकी ये जो पीडीएफ है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, राइट। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाए, ज्यादा बेहतर होगा। जी सर, तो ये वैल्यूज में तो थियोरेटिकल वैल्यूज होता है, इकोनॉमिक वैल्यूज होता है, एस्थेटिक वैल्यूज होता है, सोशल वैल्यूज होता है, पॉलिटिकल वैल्यूज होता है और रिलीजियस वैल्यूज होता है। हिंदी में देखेंगे सर, तो सैद्धांतिक मूल कुछ होते हैं, आर्थिक मूल कुछ होते हैं, ये सिद्धांतमक मूल्य होते हैं, सामाजिक, थैंक यू सर, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य होते हैं, सर बिलोंग राजनीतिक मूल्य इंडिया, होते तो हैं। सर की थोड़ी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है मेरे लर्नर, बस आपके सर स्पेशल यहाँ पे आया, वो हिंदी मीडियम वालों की वजह से ही आया। बच्चे देखो, मैं हिंदी में मैं रीड हाँ कर सर, रही हूँ सर, इंग्लिश, राइट सर। तो थैंक यू इस सर, पर आप थैंक यू। डिस्कस करेंगे कि जो अल्पोर्ट का जो वर्णन है, जो छह प्रकार के होते हैं, सैद्धांतिक मूल्य का क्या रोल है, आर्थिक मूल्य किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब कि क्या इसका मतलब है इन द एथिक्स पेपर, सौंदर्यात्मक मूल्य क्या है और सामाजिक मूल्य क्या है, राजनीतिक मूल्य क्या है, धार्मिक मूल्य क्या है, सर इसमें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो सर प्लीज सर एक्सप्लेन दें सर। सो फाइनली दीज ह्यूमन वैल्यूज गाइड ह्यूमन बिहेवियर, सो दीज वैल्यूज इन्फ्लुएंसेस आवर एटीट्यूड एंड आवर बिहेवियर। तो जो कुछ हम करते हैं ना उसका तो पूरा इसको ये ह्यूमन वैल्यूज विल गाइड अस। ये नेक्स्ट सर, ह्यूमन वैल्यू जो गाइड करता है ह्यूमन के बिहेवियर को लेकर, कैसा बिहेवियर जो उसको हाँ सर, इन्फ्लुएंस करता है, एटीट्यूड को और बिहेवियर को, ऐसा सर एक आवर एग्जांपल बिहेवियर दीजिए बच्चों को, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव द हिंदी में एग्जांपल सर, हिंदी में प्लीज सर, सर। यस सर, हिंदी आप सर, आप पढ़ेंगे सर। यस सर, मानवीय मूल्य, मानवीय मानव मूल्य व्यवहार का, मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करता, सही बात है। देखो भाई, आपका क्या वैल्यू है, राइट, वो आपके व्यवहार को मार्गदर्शन करता है, आपके व्यवहार के बारे में बताता है, जैसे मूल्य दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही बात है कि मूल्य जो दृष्टिकोण क्या है, उसकी क्या सोच है, क्या इसकी व्यवहार है, क्या इसका अप्रोच है, किस तरीके से किन चीजों को लेकर के एटीट्यूड अपना रखता है, क्या इसकी वैल्यू है, उन सब चीजों को अफेक्ट व्यवहारिक प्रभावित जरूर करता है। जी सर, तो लेवल्स ऑफ वैल्यू कैसे होता है, तो हर एक स्तर का एक वैल्यू होता है, इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है, सोसाइटी हम इंटरनेट पहले इंडिविजुअल लेवल में थोड़ा देखेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल में तो ए मैन शुड बी ट्रस्टवर्दी। सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल लेवल इज यू मस्ट बी ट्रस्टवर्दी, यू मस्ट बी करेजियस, यू मस्ट बी कंपैशन, तो दूसरों पर दया करना है, एक्सेप्टेंस होना है, अब दूसरों का जो कुछ अच्छा है और भलाई है उसको एक्सेप्ट करना है, रिस्क टेकिंग है, यू मस्ट बी रिस्क टेकिंग, एंड यू मस्ट एंजॉय बोथ सारो एंड जॉय इन द सेम वे। सो एट द इंडिविजुअल लेवल यू मस्ट बी ट्रस्टवर्दी, करेजियस, कंपैशनेट, एक्सेप्ट, रिस्क टेकिंग, सारो एंड जॉय को इक्वल में लेना है, तो दुख बहुत को सही, या सुख को इक्वली लेना है। सर हिंदी में देखो सर, मेरे प्यारे बच्चे, सर ने बहुत कितने अच्छे, सर देखो ये आपके लिए
एक एथिक्स का पेपर तो मैं कहूंगा कि ये डे टू डे लाइफ के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से, वेल देखो, एक इंसान की पर्सनल वैल्यू कह दो या इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम करता है। सबसे पहली बात तो आपको ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल होना चाहिए, आपको किसी को दिखना चाहिए इंसान के अंदर, नहीं यार इस इंसान के साथ कोई वर्क करना चाहिए। नहीं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स को दिखना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे कि नहीं, डेफिनेटली दे कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, राइट। इसलिए आपके अंदर करेज होना चाहिए, एक कंपैशन होना चाहिए, और रिस्क लेने की, हाई रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। और स्लो एंड जॉय तो एक नॉर्मल सी बात है, वो हर किसी के अंदर होता ही है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो फॉर द हिंदी मीडियम, मूल्यों के स्तर, व्यक्तिगत स्तर पर इंसान को भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे भरोसे पे कोई कुछ कर रहा है, तुम किसी और के साथ जा रहे हो, कहीं कुछ और कर लिए। तो सर आज के टाइम में ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं यूपीएससी से हट की बातें करूं तो थोड़ा सा सर मैं आज के टाइम में देखता हूँ सर, बच्चों की सर शादियां हो रही है, लेकिन सर शादियां टूट जा रही है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल लेवल पे उनको एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट वर्दी नहीं हो रहा है, तभी तो बहुत ज्यादा डाइवोर्सी वगैरह समथिंग, ये सब सारी केसेस आजकल सीखने को मिलता है। तो एक व्यक्तिगत स्तर पे आपको एक दूसरे के साथ भरोसेमंद के साथ जीना पड़ेगा। साहसी एक अलग बात है, करुणा तो चलिए करुणा लेवल की बात आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए, एंड स्वीकार्यता एंड जोखिम उठाना। जैसे मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस 1 साल 2 साल की जोखिम जरूर उठाओ। ये नहीं कि सर मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं टेस्ट पेपर नहीं खरीद सकता, सर मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बच्चे, कुछ चीजें तो हैं जो बिना पैसे की नहीं हो सकती है। अब आपको बुक से पढ़ना है तो बुक तो जरूरी है, टेस्ट पेपर लगाना है। अब वो थोड़ी ना कि वहां पे आपका जो एग्जाम होगा केवल ऑनलाइन होगा, यूपीएससी का एग्जाम ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए पहले तो आपको टेस्ट पेपर घर पे खरीद के टेस्ट देना पड़ेगा। और दुख और खुशी इज द डिफरेंट पार्ट, राइट। तो व्यक्तिगत स्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, फॉर द इंग्लिश मीडियम आप एक-एक कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी, करेजियस, कंपैशनेट, एक्सेप्टेंस इज टेकिंग, सोरो एंड जॉय, एंड हिंदी मीडियम वाले भरोसेमंद, साहसी, करुणा, सुकार्यता, जोखिम उठाना, दुख और खुशी, ये पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे ये मूल्यों के स्तर है। प्लीज स्टार्ट सर द नेक्स्ट सेकेंड इंटरपर्सनल लेवल। जी सर, मैं और संजय साहब आपको भरोसा देते हैं, आपको कम से कम 125 मार्क्स एथिक्स में मिलेगा। आप भी सेम भरोसे से होना है। द सेकंड इज इंटरपर्सनल लेवल है। इंटरपर्सनल लेवल में क्या क्या वैल्यूज होता है? एक तो यम्पति है। यम्पति मीन्स यू मस्ट इन द शूज ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग। सो यम्पति इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज कोऑपरेशन। यू मस्ट कोऑपरेट विथ अदर्स। म्यूचुअल ट्रस्ट। जब हम दोनों तीनों मिलकर काम करते ना, एक वी मस्ट ट्रस्ट ईच अदर एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती होना है। देन अकोमोडेटिंग द डाइवर्स व्यूज एंड यूनानिमिटी होना है। तो हर एक बार हमारा व्यू एक्सेप्ट नहीं होता है, तो वी मस्ट एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ अदर्स, इवन समटाइम्स डाइवर्स व्यूज, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू टेक ए यूनानिमस डिसीजन। तो इंटरपर्सनल लेवल में तो दीज आर द इम्पोर्टेंट वैल्यूज, एम्पथी, कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, अकोमोडेटिंग द डाइवर्स व्यूज, एंड फाइनली इनएनिमेटिक, सब हिंदी में। बिल्कुल सर ने सही कहा कि जैसे जो अंतर व्यक्तिक स्तर जो है, इसमें सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। सहयोग हो गया, पारस्परिक विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास, मित्रता, फ्रेंडशिप, विविध विचारों को स्वीकार करना और एकमत होना। मैं चाहूंगा कि सभी लोग कमेंट सेक्शन बताना। देखो ये जिस प्रकार इंटरपर्सनल लेवल में सर ने एम्पैथी की बात की, कोऑपरेशन की बात की, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, अकोमोडेटिव होना चाहिए, एंड द डाइवर्स व्यूज एंड द यूनानिमिटी, यानी कि एकमत होना। जी सर, नेक्स्ट द कम्युनिटी लेवल। फाइनली एट द कम्युनिटी लेवल, तो हम पर्सनल इंडिविजुअल सर में का थोड़ा देखा है, इंटरनेट का इश्यू है और सर कुछ के कुछ साथ। आदमियों के इंटरपर्सनल, हमारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के में। अब तो फाइनली हम कम्युनिटी में, जब कम्युनिटी के में आप पास आते हैं ना, हमको क्या होना है? सर एक तो आपकी पहला वॉइस कट म्यूचुअल कट के ट्रस्ट आ रही होना है है। तो कम्युनिटी में तो इंटरनेट, या सर योर इंटरनेट इज वेरी स्लो, सो प्लीज कैन यू रिपीट इंटरनेट वन, इज ओके सर, आई थिंक कॉल कैन यू अगेन सर। रिपीट वंस सर अगेन सर, होगा कम्युनिटी लेवल में तो हमको म्यूचुअल ट्रस्ट होना है। तो आना है सर, इज इट ओके सर? या म्यूचुअल म्यूचुअल ट्रस्ट ट्रस्ट, होना तो कम्युनिटी लेवल। म्यूचुअल ट्रस्ट होना है। म्यूचुअल ट्रस्ट मीन्स हर एक कम्युनिटी में हर एक रेस का, हर एक रिलीजन का, हर एक टाइप का आदमी होते हैं। एंड सेकेंड इज टॉलरेंस। जब हम व्हेन वी आर मीटिंग विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, वी मस्ट बी टॉलरेट टू ईच अदर।
तो दूसरे को हमारे पास हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, और सबका हम टॉलरेट होना है। उसका व्यूज समटाइम्स हमारा हमारा व्यूज से कुछ डिफरेंट होता है। देन कंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन, तो जब कुछ हमसे कुछ गलती होता है हमको भी रिकंसिलिएशन करना है। और जो कुछ हम करते हैं ना, हम एनवीरॉनमेंट का फ्रेंडली होना है, हम कम्युनिटी को मदद करना है और नेचर को हम हार्म नहीं करना है, नेचर से हमारा दोस्ती होना है। सर नेक्स्ट। तो सर ने बिल्कुल सही बात कही इस बारे में कि जो कम्युनिटी लेवल जी है, बिल्कुल कम्युनिटी लेवल है, देखो कम्युनिटी का पहले मतलब समझो क्या हो। कम्युनिटी एक स्टूडेंट कम्युनिटी हो गई, कुछ लोग कास्ट कम्युनिटी कहते हैं, कुछ लोग पीपल्स कम्युनिटी कहते हैं, राइट। कुछ लोग ओल्ड पीपल की कम्युनिटी हो, कम्युनिटी हो गई, यानी कम्युनिटी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप, राइट। जब भी कोई भी, जैसे मान लो एक हमारा एक दोस्तों की कम्युनिटी है, राइट। जैसे मान लो कि मैं एक एजुकेटर हूँ और सर एक एजुकेटर है, तो हम लोगों की कम्युनिटी हो, जैसे मान लो कि सर और मैं आपकी क्लासेस इस चैनल पर ले रहे हैं, ठीक है। ये इस चैनल को प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सर यहाँ पे कंप्लीट आपको एथिक्स पढ़ाने वाले हैं। वो अलग बात है कि अभी आपको समझ में उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन डे टू डे, टाइम टू टाइम हम लोग सर, हम और सर आपके चीजों को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल ट्रस्ट है एक दूसरे के बीच, तभी कम्युनिटी लेवल का मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट होना है, टोल रेंस होना। मेरे बच्चे क्लास जो है ना, थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा। रिकंसिलिएशन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है फॉर द हिंदी मीडियम। सामुदायिक बस एक अखिल बात है कि अगर आपसी विश्वास, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, आपसी विश्वास, सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिस रहा कम्युनिटी में है, राइट, मैं हूं और हमारे साथ मान लो कि सर हैं, या है। कभी कुछ ऐसा हो गया, तो भाई देखो, तो जब कोई किसी कम्युनिटी में रहता है तो वहां पे एक दूसरे के साथ कुछ मन मुटाव भी बातें होती है। कुछ ऐसी बातें उनकी होगी जो बातें मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बातें कुछ उनको पसंद नहीं आएंगी। तो ऐसे में भाई, जो बातें अगर वो कह रहे हैं या मेरी बातें मैं उनको कह रहा हूँ, उनकी बातें मैं सुन रहा हूँ, तो आपके अंदर एक दूसरे को सुनने की सहनशीलता क्षमता होनी चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, और पर्यावरण उसके अनुकूल होना चाहिए। जी सर, प्लीज स्टार्ट द नेक्स्ट। सर क्लास विल बी ओवर इन द 10 मिनट्स, सो प्लीज हम लोग नेक्स्ट लेवल इज नेशनल लेवल। तो जब हम हमारे कम्युनिटी से हम राष्ट्र के जाते हैं, विल गो अप टू द हायर लेवल ऑफ इंडिया लेवल। तो नेशनल लेवल में हमको क्या होना है, तो इंटर कल्चरल हार्मनी। तो देर आर डिफरेंट कल्चर, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर। हमारे पास दुनिया का लैंग्वेज है, दुनिया का कल्चर है, तो इंटर कल्चरल हार्मनी होना है। एंड ह्यूमन एंड एनिमल राइट, अब तो वी आर ऑल्सो गिविंग इंपॉर्टेंस टू एनिमल राइट, ह्यूमन एंड एनिमल राइट, एंड फाइनली रिलीजियस टॉलरेंस। तो हम हर एक मत का हम सम्मान करना है। तो इंडिया, व्हेन इंडिया इज फेमस फॉर बुद्धा, जैन, एंड हर एक का यहाँ ये जन्म हुआ है, और वी हैव रेस्पेक्टेड द रिलीजन ऑफ ऑल द कंट्रीज, ऑल द वर्ल्ड, एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन, एंड सिटीजनशिप ड्यूटीज क्या है, एंड सिटीजनशिप राइट क्या है। तो एट द नेशनल लेवल में we have to exhibit the values of intercultural harmony, we have to have human and animal rights, religious tolerance and respect for other religions, and citizenship duties and rights. These are the important values to be inculcated at the national level. Sir, next question. तो राष्ट्रीय स्तर पर देखो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लाइन। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए कि अंतर सांस्कृतिक सद्भाव होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि मान लो कि मेरी दिवाली की त्योहार है और हमारे मुस्लिम भाई का कोई और त्योहार है, तो हमारी त्योहार वो नहीं मना सकती। भाई बिल्कुल वो मना सकते हैं, हम भी उनके त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हमारे त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे अभी 25 दिसंबर आ रहा है, राइट, जो क्रिसमस होता है, तो एक प्रकार के अंतर सांस्कृतिक सद्भाव होना चाहिए फॉर द नेशनल लेवल। मानव और पशु अधिकार, ये बात आप समझ रहे होंगे, धार्मिक सहिष्णुता और अन्य धर्मों के लिए समान और नागरिक कर्तव्य और अधिकार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस सेशन में हम लोग 4 वैल्यूज तक ही रीड करेंगे, जहां तक मैंने आपको बताया था। अभी सर ने एक्सप्लेन किया था कि इसमें हम लोगों ने अभी 4th लेवल तक इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। कल जो हमारी क्लासेस होंगी ने 4th लेवल के बाद, कल ग्लोबल लेवल होगा, फिर उसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट। आज थोड़ा सा टाइम बहुत कम है, कल का सेशन हम लोगों का बहुत लंबा होगा, बहुत ही लॉन्ग सेशन होगा, राइट।
आज हमने थोड़ा शुरुआत किया है, राइट, है ना। तो टेंशन मतलब, देखो ये बहुत सारे पीपीटी आपके लिए बन के तैयार है, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, राइट, है ना। सो प्लीज कनेक्ट विथ अस, राइट। ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो जरूर आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारे साथ साथ और ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि जिन बच्चों को आप लोगों में से जिन भी बच्चों को जिनको एथिक्स की एबीसीडी भी नहीं पता है, वो बिल्कुल शुरू से क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैं और सर खुद आपकी क्लासेस यहाँ पे ले रहा हूँ, राइट, है ना। तो बिल्कुल थोड़ा सा समझने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जैसे आपका 20+ लेक्चर जैसे आप सुन लोगे, डेफिनेटली यू विल बी बूस्ट योर कॉन्सेप्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस पेपर इन द एथिक्स पेपर। और यहाँ पे जैसे टॉपिक फिनिश होगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। सो देर इज नो नीड टू अटेंड द एनीवेयर क्लासेस, यू हैव टू ओनली फोकस हियर। सो प्लीज यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्लीज सर का सभी लोग थैंक यू करिए एंड थैंक यू सो मच सर। फिर से सर हम लोग नेक्स्ट क्लास हमारी डे आफ्टर टुमारो होंगी। सर प्लीज सर कुछ थैंक कहना यू है, सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर. प्लीज सर कुछ माय कहना है। माय आई एम गिविंग द कॉन्फिडेंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, इवन इफ यू डोंट नो द एबीसीडी ऑफ एथिक्स, जस्ट लाइक हमारा संजय साहब ने बोल दिया है ना, तो वी विल गाइड यू फ्रॉम द बिगिनिंग. हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर राइटिंग का आपको मदद करेंगे, कोटेशन का आपके हेल्प करेंगे, केस स्टडीज वी विल डिस्कस द केस स्टडीज टोटली, एंड बिकॉज नाउ इट इज अ थियरी सब्जेक्ट वी आर गोइंग थियरिटिकली, एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड आफ्टर सम 5-6 episodes of the series over, we will start with examples. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाइए, राइट, है ना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।